एलन मोदी इवेंट के लिए जिस प्रकार का जुनून है यहाँ यूएई के लोगों में, वो देखते ही बनता है। ग्राउंड पे तो जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं वो एक अलग पार्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो कोर पार्ट है इस इवेंट का, वो है बैकरूम में पूरी तैयारियां। और उसके लिए ये वॉर रूम बनाया हुआ है जो पिछले 7 दिनों से 24 घंटे एक्टिव है, जहाँ पे आपको बता दें सारे लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स और क्राउड मैनेजमेंट से लेकर के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है 24 घंटे। सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, वो लगातार लगे हुए हैं चीज़ों को मैनेज करने में। आपको बता दें यहीं पे उनका खाना पीना होता है, यहीं पे वो लोग मौजूद हैं लगातार, अपने घर भी नहीं जा रहे हैं पिछले 7 दिनों से। और आप यहाँ देख सकते हैं एक एक डिटेलिंग जो है वो यहाँ पे परफॉर्म की जा रही है, और करीब करीब जितने लोग आने वाले हैं वो किस तरह बैठेंगे, कहाँ से उनको जाना है और कैसे इवेंट सारी मैनेज होंगी, ये सब यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। और कैसे ये सब हो रहा है, किस तरह से ये वॉलंटियर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, जो कि पेड भी नहीं है। हम बात करते हैं यहाँ पे जो आईटी हेड हैं इनके, ये बताइए किस तरह से ये सारा वॉर रूम जो है वो लगातार पिछले 7-8 दिनों से ऑपरेट कर रहे हैं। आईटी का काम तो जिस दिन ये इवेंट का अनाउंसमेंट हुआ था उसी दिन शुरू हो गया था, और हम लोगों ने जितना भी प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन से लेकर और टिकट एलोकेशन से लेकर पूरा प्लानिंग सब टेक्नोलॉजी की हेल्प से किया, आईटी की हेल्प से किया। हम लोगों ने वेबसाइट लॉन्च किया था जिसके ऊपर लोगों ने आके रजिस्टर किया, और हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी रहा कि हमें इतने सारे तरीके के लोगों को, भारतीय मूल के नागरिकों को जो यहाँ पे रहते हैं, अबू धाबी में रहते हैं, दुबई में रहते हैं और सारे एमिरेट्स में रहते हैं, उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू इकट्ठा करना था। तो हम लोगों के लिए जिस दिन ये जिस दिन ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ था उस दिन से काम हो रहा है, और पिछले 8 दिन के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। हम लोगों को टिकट्स एलोकेशन करना था, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन। यही आपसे पूछने वाला था कि क्योंकि मोदी जी का इवेंट है तो जाहिर सी बात है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस रहती हैं लोगों को, और बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। बिल्कुल, तो हम लोगों का एक्सपेक्टेड था कि हम 40 से 45 हज़ार लोगों को इस इवेंट में लेके आएंगे, लेकिन हमारे पास 65 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, और ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन आपको फोर्सफुली बंद करना पड़ा। बिल्कुल, और ये सारा कुछ पिछले 20 से 22 दिन के अंदर हुआ, और हमें इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला कि हमें अपने पूरा रजिस्ट्रेशन को क्लोज करना पड़ा। वो करने के बाद हम पिछले 8 दिन से ये इंश्योर कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पार्टिसिपेशन करा सकें वो हम पार्टिसिपेशन कराएँ, और इसीलिए यहाँ पे आप ये जो इतना क्योस देख रहे हैं, कौन है ये, ये सब अलग अलग टीम्स हैं हमारे पास, टिकटिंग टीम हमारे पास यहाँ पे काम कर रही है, और टिकटिंग टीम मीडिया टीम के साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है कि हम जैसे जैसे एलोकेशन कर रहे हैं वो सारा मीडिया तक पहुँचे। हमारे VIP पूरा मैनेजमेंट जो है, VIP और VVIPs के लिए जो पूरा मैनेजमेंट है उसके लिए एक सेपरेट टीम है जो उस पर काम कर रही है, और उसके अलावा बहुत सारा डेटा माइनिंग और ये वाली चीज़ें चल रही हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी टाइम से पहुंचा सकें, और उसके अलावा टिकट्स लोगों तक सब तक पहुंच रही हैं उस चीज़ को इंश्योर कर सकें। मैं ये जानना चाह रहा था इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, ये लोग कौन है? देखिए, ये सब मोदी जी के चाहने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब वॉलंटियरली कर रहे हैं, हर तरीके के हर वर्ग के लोग इस पूरे के पूरे काम में जुड़े हैं, और ये सब अपने खुद के मोटिवेशन से मोदी जी से मिलने के लिए, मोदी जी की सेवा के लिए और देश को प्राउड करने के लिए, बिकॉज ये इवेंट सिर्फ मोदी जी का इवेंट नहीं है, ये इंडिया और UAE की दोस्ती का भी एक बहुत बड़ा आउटकम है, और इसी चीज़ को और प्राउड मोमेंट बनाने के लिए लोग यहाँ पे सब लोग एफर्टलेसली काम कर रहे हैं।